जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जोशीमठ में पहाड़ियां गिरने से, होटल गिरने के बाद पहाड़ियों में दरार आने से काफी सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार चार धाम यात्रा नहीं हो पाएगी या इस बार बद्रीनाथ और श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा रोक दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपके लिए सिख धर्म के लिए सबसे बड़ी खबर लेकर पेश हुआ हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 20 मई से शुरू होने जा रही है। ऐसे में वहाँ पर जो बर्फ हटाने का काम है वो भी शुरू कर दिया गया है, और ऐसे में अगर कोई और नई अपडेट मिलती है वो भी हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ साझी करेंगे। सिख धर्म की बड़ी और लेटेस्ट जानकारियाँ खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेन जानकारी है वो यह है कि श्री हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वह 20 मई से शुरू हो जाएगी। इसके लिए जितने भी तैयारियां हैं वो मुकम्मल तौर पर शुरू कर दी गई है। तो आज के वीडियो में आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करें।